हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीजी फॉरेस्ट के अंतर्गत वन आरक्षक के गार्ड की वैकेंसी आई है, उसके फॉर्म आज से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए, इसके फॉर्म को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसी को देखते हैं। और इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड वीडियो के रूप में आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आपको cgforest.com सर्च कर लेना है गूगल पे आके। और जैसे ही सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे आपको एक पब्लिक इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जाना है। आप इस फॉर्म को मोबाइल से भी भर सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट के पेज पे जाना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के पेज पे जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे फॉरेस्ट गार्ड इन वेरियस ऑफिसेज छत्तीसगढ़ स्टेट क्लाइमेट चेंज की डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट दिख रहा होगा। इस पे लिंक दिख रहा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं वैकेंसी का डिटेल। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और इसमें न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर विभागीय नियम जो भर्ती से संबंधित नियम है अगर वो देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर सिलेबस देखना है दोस्तों तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और इंस्ट्रक्शन देखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग का तो यहाँ पे देख सकते हैं, और सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं। अपने ट्रैक का स्टेटस देखना है, एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर्ड करने कहा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो जेनुअल नेम है वो भर लेना है। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भर लेना है। इसी मोबाइल नंबर पे आपकी ओटीपी आएगी, और उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आईडी जो आपकी चालू हो वो डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको एंटर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एंटर कर लेना है, और उसके बाद फिर सबमिट के बटन को क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबमिट के बटन को क्लिक करके तो यहाँ से दोस्तों हमने ओटीपी को वेरीफाई कर लिया है। और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने मिलेगा। और इस इंटरफेस में आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिस आया है, अभ्यर्थी बस्तर सरगुजा के अंतर्गत या कोरबा जिले से अगर आते हैं तो उनको यहाँ पर उसी जिले का प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर बस्तर या सरगुजा या कोरबा जिले के आप निवासी हैं तभी आप उन मंडलों में अप्लाई कर पाएंगे। इन तीनों मंडलों को छोड़कर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं वो अपने वन मंडल के हिसाब से किसी भी वन मंडल में कर सकते हैं, सिवाय अगर बस्तर सरगुजा और कोरबा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन मंडल के लिए उनके पास जो है जिले का निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो यहाँ से हमको देख लेना है दोस्तों। और यहाँ पे चलिए, हमको वन मंडल चुनना है तो हमने यहाँ पे बालोद का डाल दिया है वन मंडल। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे पोस्ट जीरो दिखा रहा है तो हमको यहाँ पे दुर्ग सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जांजगीर चांपा जिला यहाँ पे डाल दिया है और इसके वन मंडल को चुन लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके 6 पोस्ट निकाले गए हैं, और ये जो नोडल DFO का ऑफिस है बिलासपुर के अंतर्गत ये है। और यहाँ से फिर आवेदक को अपना पूरा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उसको अपने फादर का नाम यहाँ पे भर लेना है, देन यहाँ पे मदर का नेम भर लेना है, देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से चूज कर लेंगे। और इस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पे आपको अपनी अंक सूची भर लेनी है, यहाँ से आपको जो भी कैटेगरी है आपको अपना चूज कर लेना है, अगर ST SC OBC जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना फादर नेम डाल देते हैं।
इस तरीके से हमको डाल देना है। देन उसके बाद हमको अपना यहाँ पे मदर नेम पुट कर लेनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों। देन यहाँ पे आपको अपना स्थाई पता यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे पहले राज्य सेलेक्ट कर लीजिए छत्तीसगढ़। देन यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे पिन कोड आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने पिन कोड को भी पुट कर दिया है। और उसके बाद हमको यहाँ पे डाक का व्यवहार का पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिल हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको जिले का निवास प्रमाण पत्र भर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको अंक सूची यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने अंक सूची को डाल दिया है और यहाँ से व्यू फाइल करके आप देख सकते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। और यहाँ से हमको अपना पूर्ण पता यहाँ पे दर्ज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा आपने ने यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपने फादर्स नेम को भर लेना है। देन उसके बाद यहाँ मदर्स नेम को डाल लेना है। देन यहाँ से आपको अपनी अंक सूची 10वीं की वो डाल लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। और उसके बाद हमको यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता जो है वो भर लेंगे यहाँ पे। और अपना पूर्ण पता भी स्थाई पता अगर सेम है और पत्र व्यवहार का पता दोनों ही एक ही है तो आप इस ऑप्शन पे चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अदरवाइज आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और नो करेंगे तो फिर यहाँ से डाक का पता आप इजीली डाल सकते हैं। तो मैंने यस कर दिया है तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है कि नहीं ये डालना है, फिर किस जिले के निवासी हैं ये डालना है, फिर यहाँ से आपको प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेना है। जो निवासी प्रमाण पत्र है वो उनको यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और जेंडर को यहाँ पे फिल कर लेंगे, मेल है फीमेल है या फिर अदर। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिए है। देन यहाँ पे विवाहित स्थिति यहाँ पे मैरिज का यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधुर हैं या फिर ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे अविवाहित डाल दिया है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ से यस या नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको परीक्षा का नाम और उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है 12th का, जिसपे आपने शैक्षणिक योग्यता जिस बेस पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आपको अपना 12th सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जिस बोर्ड से आपने पास किया है, तो हमने CG बोर्ड से पास किया है तो ये हम फिल कर लेंगे। देन ये यहाँ पे जिस ईयर पे आपने पास किया है वो डाल देंगे। देन यहाँ पे प्राप्तांक डाल देंगे, यहाँ पे प्राप्तांकों का कुल प्रतिशत आप लोग को डाल देना है और यहाँ से श्रेणी डाल देनी है। देन यहाँ से आपको 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और यहाँ से अगर ऐड भी कर सकते हैं आप प्रमाण पत्र को, प्रमाण पत्र और अंक सूची को ऐड करके यहाँ पे और भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर कोई डॉक्यूमेंट और आपके पास है NCC, ये सब का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ को आपको ऊंचाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे इंच टू सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपके चेस्ट का सामान्य यहाँ पे देख लेंगे और सीने का फुलाव यहाँ पे देख लेंगे और उसको भर लेंगे। यहाँ पे न्यूनतम लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देखकर अपना डाल सकते हैं। अगर आपने NCC प्रमाण पत्र आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में आपने आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड कर लेना है यस या नो पे क्लिक करके। एशियाई खेलों में या ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने कोई मेडल जीता है या फिर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पे आप प्रमाण पत्र यस या नो करके ऊपर ऐड कर सकते हैं और इस पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्तमान या पूर्व शासकीय सेवा का विवरण, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
एम्प्लॉयड का नाम, यहाँ पे सैलरी क्या थी, कब से कब तक आप थे, ये सारा कुछ आप भर सकते हैं। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कोई पुलिस प्रकरण आपके खिलाफ तो नहीं कर किया गया है तो वो यहाँ पे आप भर लेंगे यस या नो पे क्लिक करके। देन उसके बाद आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं फ़ोटो को और इस तरीके से हमको अपलोड कर लेना है। और उसके बाद हमको एक सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जाएगा, तो हम यहाँ से सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे एक घोषणा पत्र आएगा, तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे कर सकते हैं या सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, तो सेव एज कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से आएगा। और एडिट करने का यहाँ पे एक फॉर्म को मौका दिया जाएगा, इसके बाद फिर एडिट नहीं होगा फॉर्म, तो यहाँ पे एडिट पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप इसको देख सकते हैं अपने यहाँ पे पूरे फॉर्म को और फिर एडिट कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्म देख लिया है दोस्तों। और उसके बाद फिर हमको एक कंटिन्यू टू पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है, और जैसे ही आप जाएंगे पे नाउ करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट होगा और यहाँ पे बैंक के चार्जेस भी अलग से लगेंगे। तो यहाँ पे हमको पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिल्ड हुआ फॉर्म सैंपल इस तरीके का आ जाएगा आप लोगों के पास। प्रिंट लेंगे तो ये देख सकते हैं पेमेंट करने के बाद ये पेड यहाँ ऊपर दिखाएगा आप लोगों को पेड करके, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएगा कब से कब तक यहाँ पे, और इस तरीके का फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो और किस तरीके से फॉर्म को भरना है वो इसकी लिंक सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।